नमस्कार दोस्तों, चैनल D5 हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर व धार्मिक स्थान हैं जिनके रहस्य व चमत्कारों को आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह मंदिर व धार्मिक स्थान आज भी लोगों के लिए पहेली बने हुए हैं। एक ऐसा ही रहस्यमय मंदिर शिकारी देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर कोई भी आज तक छत का निर्माण नहीं कर पाया। शिकारी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि हर साल इस क्षेत्र में बर्फ पड़ती है, लेकिन माता के स्थान पर कभी बर्फ नहीं टिकती। मंदिर से जुड़ी कथाएं। मान्यता है कि महर्षि मार्कंडेय ने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा शक्ति रूप में इस स्थान पर स्थापित हुई थी। इसके बाद अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहां पर मंदिर का निर्माण किया और इस स्थान पर पांडवों ने तपस्या की। मां दुर्गा पांडवों की तपस्या से प्रसन्न हुई और पांडवों को कौरवों के विरुद्ध जीत का आशीर्वाद दिया। इस स्थान पर मंदिर का निर्माण तो किया गया, लेकिन मंदिर पूरा नहीं बन पाया। दूसरी कथा के अनुसार, जब पांडव और कौरव आपस में जुआ खेल रहे थे, तब एक स्त्री ने आकर उन्हें मना किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इस खेल में हारने के बाद पांडवों को राजपाट छोड़कर अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान पांडव स्थान पर आए। एक दिन पांडवों को एक सुंदर मृग दिखा। पांडवों ने उस मृग का शिकार करना चाहा, तो मृग पांडवों के हाथ नहीं लगा। इसके बाद पांडव चर्चा करने लगे कि वह मृग मायावी तो नहीं। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि मैं इस पर्वत पर वास करने वाली शक्ति हूँ। मैंने पहले भी एक बार तुम्हें जुआ खेलते हुए सावधान किया था, लेकिन तुमने नहीं सुना, जिसका परिणाम आज तुम भोग रहे हो। पांडवों ने देवी से क्षमा याचना की तो देवी ने बताया कि मैं इस पर्वत पर नव दुर्गा के रूप में विराजमान हूँ। तुम मेरी मूर्ति को निकालकर स्थापित करोगे तो तुम्हें तुम्हारा राजपाट दोबारा मिल जाएगा। पांडवों ने नवदुर्गा की मूर्ति को स्थान पर स्थापित किया। माता के मायावी मृग के शिकार के रूप में मिलने के कारण ही माता का नाम शिकारी देवी पड़ा। एक और मान्यता के अनुसार, वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर शिकारी शिकार के लिए आते थे। शिकार से पूर्व शिकारी सफलता के लिए प्रार्थना करते थे, जो सफल हो जाती थी। इसके बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी पड़ गया। इस मंदिर के आसपास और भी कई निर्माण हुए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि माता के मंदिर के ऊपर तमाम कोशिशों के बावजूद छत नहीं बन पाई। इस स्थान पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया कि मंदिर के ऊपर छत क्यों नहीं बन सकी। कैसे पहुँचें? सुंदरनगर की ओर से मंदिर की दूरी 94 किलोमीटर है। सुंदरनगर की ओर से चौल चौक, कांडा, थुनाग और जंजहेली होते हुए मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। जंजहेली तक बस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसके बाद भूला से आगे बड़ी गाड़ी नहीं जाती, जहां पर श्रद्धालु जीप किराए पर लेकर आते हैं। एक और रास्ता करसोग से जाता है। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है, परंतु यह रास्ता हल्की सी बारिश के बाद ही चलने लायक नहीं रहता। तो दोस्तों, यह थी हिमाचल प्रदेश में स्थित शिकारी देवी मंदिर से जुड़ी जानकारी। अगली बार फिर से किसी प्राचीन व रहस्यमय मंदिर से जुड़ी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए चैनल D5 हिंदी के साथ।